16 अप्रैल को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमस्कार घर घर पहुंचाएंगे। साथ ही महायुति के प्रत्याशी सुधीर मुनगंटीवार का वाचननामा भी बांटा जाएगा। 16 अप्रैल को भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमस्कार घर घर पहुंचाएंगे। साथ ही महायुति के प्रत्याशी सुधीर मुनगंटीवार का वाचननामा भी बांटा जाएगा। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में भाजपा महानगर अध्यक्ष राहुल पावड़े ने दी। इस समय भाजपा के ज्येष्ठ नेता प्रमोद कड़ू, सविता कामरे, प्रज्वलंत कड़ू उपस्थित थे। इस पत्र परिषद में राहुल पावड़े ने आगे बताया कि 8 अप्रैल को चंद्रपुर में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में उन्होंने उपस्थित लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर मेरा नमस्कार करने की अपील की थी। इस अपील के अनुसार चंद्रपुर वनियाणी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा बूथ स्तर के कार्यकर्ता, बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख 16 अप्रैल को घर घर जाकर मतदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का नमस्कार करेंगे। साथ ही महायुति के प्रत्याशी सुधीर मुनगंटीवार का वाचननामा भी मतदाताओं में बांटेंगे। मागील 10 वर्षांमध्ये या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जे ज्या निवडणुकीमध्ये 2014 ची असेल, 2019 ची असेल, जे जे संकल्प पूर्ती करण्याचा जो संकल्प जनतेपर्यंत दिला होता, त्या संकल्प पूर्तीची पूर्तता म्हणून उद्या 16 तारखेला प्रत्येकच पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता हा प्रत्येकच मतदारांच्या घरापर्यंत जाऊन मोदीजींचा प्रणाम हा पोचविणार आहे, मोदीजींचा जनतेपर्यंत नमस्कार पोचवणार। कारण की ज्या उद्देशाने 2014 आदरणीय मोदीजींनी या देशाची धुरा सांभाळली होती, त्या संकल्पनेच्या माध्यमातून उद्याला प्रत्येकच भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता हा त्यांनी केलेले जे विकास कार्य असतील, या देशाला दिलेली जे नवीन दिशा असतील, या देशामध्ये घेतलेले वेगवेगळे निर्णय असतील, ते पोचवण्याकरिता सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी उद्या लोकसभा क्षेत्रामध्ये घरोघरी जाणार आहे। याचसोबत या महायुतीचे आमचे लोकसभेचे उमेदवार आदरणीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवारजी यांचासुद्धा वचननामा त्याच निमित्ताने आम्ही पोचवणार आहोत। कारण की 19 तारखेला ही निवडणूक होते आहे, ती विकासाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची निवडणूक आहे आणि तोच विकासाचा दृष्टिकोन घेऊन आदरणीय सुधीरभाऊ हे महायुतीचे उमेदवार आहे, त्यामुळे आम्ही तो विकासाचा अजेंडा, आदरणीय मोदीजींचा प्रणाम नमस्कार हा जनतेपर्यंत पोहोचवणार आहोत।